अगर आप क्षेत्रीय भाषा में फिल्में बनाएंगे जी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, बज्जिका, मगही, जी, इन पांच भाषाओं में अगर फिल्म बनाएंगे, कुल बजट का 25% वाला आंकड़ा है वो बढ़ के 50% हो जाएगा। फिल्म बजट का 25% अथवा 4 करोड़ जो भी कम हो, बिहार में 75% तक शूटिंग करेंगे, 50 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही। आप हमारे बगल में एक शख्स देख रहे हैं, इस शख्स के परिचय के बारे में आपको थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, बाकी चीजें इंटरव्यू के माध्यम से इनके ज्ञान को आप जानेंगे। फिल्म सेंसर बोर्ड दिल्ली के सदस्य भी हैं, ये सिनेमा प्रेमी तो हैं ही, प्रकृति प्रेमी भी हैं और प्रकृति मित्र और तरु मित्र संगठनों से जुड़कर पटना में पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते हैं। इसके अलावा कला से, साहित्य से और शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं। पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और पत्रकारिता के छात्रों को प्रशिक्षण देने का और उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने का भी काम प्रशांत रंजन जी के द्वारा किया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। सर, आज हम लोग की चर्चा का विषय है, चूंकि आप फिल्म सेंसर बोर्ड के मेंबर भी हैं और बिहार में एक बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 बिहार सरकार के द्वारा लागू की गई है, तो क्या जरूरत थी इस पॉलिसी की, जिसकी मांग बहुत समय से फिल्म निर्माण करने वाले लोग करते आ रहे थे, और लागू हो जाने के बाद क्या कुछ लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा? हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने अनिल जी, और आपके प्रश्न में ही उत्तर है। प्रश्न आपने किया कि क्या जरूरत थी, और उसी प्रश्न को आगे बढ़ा के आपने कहा कि लंबे समय से मांग की जा रही थी। चूंकि लंबे समय से मांग की जा रही थी इसलिए पॉलिसी आई है, नंबर वन। और ये सही बात है अनिल जी कि मुझे लगता है कि झारखंड राज्य अलग होने के पहले से थोड़ी बहुत सुबुगाहट थी कि एक राज्य सरकार के पास स्पष्ट फिल्म नीति होनी चाहिए, और ये जो मांग है इसकी प्रेरणा जाहिर सी बात है कि दक्षिण भारत के प्रांतों और महाराष्ट्र और बंगाल जैसे सिने जागृत प्रांतों से ये प्रेरणा आई थी बिहार में जी। और वो इन सब जगहों पर पहले से पॉलिसी लागू की गई थी, लेकिन बिहार में नहीं हुआ था। तमिलनाडु स्टेट, केरल की जो फिल्म पॉलिसी है, महाराष्ट्र की फिल्म पॉलिसी देखिए, आपको लगेगा कि जिस प्रकार से रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मौलिक आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस तरह से सिनेमा है, वैसा लगेगा उस पॉलिसी को देखने के बाद। और आपको आश्चर्य होगा जानकर अनिल जी कि तमिलनाडु में जो आम व्यक्ति है, निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग, मध्यम वर्गीय, उसके फैमिली बजट में होता है सिनेमा थिएटर में जाकर फिल्म देखना, फैमिली बजट का हिस्सा होता है। दूध का जैसे एक नियम बना था कि कोई मजदूर होगा, 8 घंटे काम करेगा, 8 घंटे आराम करेगा और 8 घंटे मनोरंजन के लिए रखेगा, तो उसी तरीके की चीजें हैं। सो उन जगहों पर आप बता रहे हैं कि फैमिली बजट में लोगों ने बना रखा है वो फिल्म का हिस्सा। अच्छा, एक और बड़ी बात, एक और इंटरेस्टिंग बात है, आज भी आप तमिलनाडु में जाइए, मतलब इधर इस साल की डेवलपमेंट नहीं, लेकिन कम से कम पिछले साल तक का मैं बता सकता हूँ, तमिलनाडु के किसी भी सिनेमा हॉल में, महंगे से महंगे मल्टीप्लेक्स में, जिसका भी नाम आप वर्ल्ड क्लास मल्टीप्लेक्स का सुने होंगे, आप चले जाइए चेन्नई में, कोयम्बटूर में, वेल्लोर में, किधर भी, 120 रुपए में आप लग्जरी में बैठ के सिनेमा देख सकते हैं। अच्छा, इतना सस्ता? वैसा कोई थिएटर आपको पूरे बिहार झारखंड में नहीं मिलेगा, उससे थिएटर में भी, चेन्नई के उस 5 स्टार जैसा दिखने वाले थिएटर में आप मात्र 120 रुपए में टिकट कटाकर फिल्म देख सकते हैं। तभी हम लोग सोचते थे कि साउथ की फिल्में इतनी स्टैंडर्ड कैसे बन पाती है, लोग वहां पर दर्शक उसको कैसे उसको हाथों हाथ लेते हैं, बिहार में इस तरह का प्रयास क्यों नहीं हो रहा है, यहां उस तरह की फिल्में क्यों, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी की एक दिक्कत थी, जो दिक्कत शायद वहां लागू की गई थी तो लोगों को मौका मिला, वहां फिल्म निर्माताओं को मौका मिला, दर्शक मिले, उस तरह से प्रयास अब बिहार में भी शुरू हो गया आप लोग के आंदोलन और लड़ाइयों की वजह से। हाँ, ये फिल्मकारों, कलाकारों की लंबे समय से मांग थी। मैं तो जब विद्यार्थी था, कॉलेज में पढ़ता था, तब से इस नीति के बारे में सुन रहा था। फिर जब बाद में हम लोग काम करना शुरू किए, सीने सोसाइटी आंदोलन से जुड़े, सीने सोसाइटी आंदोलन सत्यजीत रे का ब्रेन चाइल्ड है जी। और उसमें है कि जो मुख्य धारा की फिल्में नहीं आ पाती थिएटर में, टेलीविजन में, उन सिनेमा को हम लोग दिखाते हैं, और सही सिनेमा लोगों तक जाए, सिनेमा एक विमर्श का माध्यम बने, सिनेमा एक समाज में सही संचार का माध्यम बने, इस दृष्टि से हम लोग सीनियर सोसाइटी आंदोलन के तहत प्रयास करते हैं। तो इसमें कई लोगों ने महती भूमिका निभाई। बाद के काल में 2012 के बाद बिहार सरकार फिल्म नीति पर अलग अलग सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन काम होता रहा, और उसकी कई बार कई बैठकों में मुझे भी जाने का, उच्च स्तरीय बैठक जो होते थे उसमें मुझे भी बैठने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला। आज प्रसन्नता अनिल जी इस बात की है कि उन बैठकों में जितनी बातें होती थी और जिस पर सहमति असहमति होती थी, सारी तो नहीं, लेकिन उसमें से आधे से अधिक बातें इस फिल्म पॉलिसी में आई हैं। ये इसकी कॉपी कल मुझे
दिया गया है कॉपी वहाँ जो मंत्री जी ने उद्घाटन किया तो मैं दिखा दिया। इस अब थोड़ी सी इस फिल्म पॉलिसी पे बात करते हैं। इस फिल्म पॉलिसी कौन कौन से मुख्य बिंदु है जो यहाँ के निर्माताओं के लिए फायदेमंद होंगे? एक तो है कि सबसे पहले जो सब जगह अखबारों में मीडिया ने कवर किया कि भाई इसमें 4 करोड़ तक अनुदान मिलेगा, फिल्म बजट का 25% अथवा 4 करोड़ जो भी कम हो, यानी अगर कोई फिल्म है 20 करोड़ उसका बजट है तो उसका 25% हो जाता है 5 करोड़, लेकिन उस केस में आपको 4 ही करोड़ मिलेगा। अच्छा, अधिकतम 4 करोड़ है, नहीं तो 25%। हाँ 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 जी, उस दोनों में से जो भी कम हो जी वो आपको मिल सकता है। तो अगर फिल्म कोई 10 करोड़ जिसका बजट है तो उसका 25% होता है 2.5 करोड़, तो 2.5 करोड़ मिलेगा जी, जी। हाँ, तो ये है। और उसके बाद है कि अगर बिहार में 75% तक शूटिंग करेंगे जी कुल कंटेंट का और बिहारी कलाकार रहेंगे तो इसमें आपको 50 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। 25% या 4 लाख का जो अतिरिक्त है उसके अलावा 50 लाख अलग से मिलेगा। अच्छा। हाँ, तीसरा इसमें है कि अगर आप क्षेत्रीय भाषा में फिल्में बनाएंगे जी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, बज्जिका, मगही, इन 5 भाषाओं में अगर फिल्म बनाएंगे तो वो जो कुल बजट का 25% वाला आंकड़ा है वो बढ़ के 50% हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा लाभ हो गया, थोड़ा भाषा को भी मजबूती प्रदान। भाषा को लेकर कई लोग आंदोलन कर रहे हैं, मिथिला क्षेत्र के लोग हैं, सो मिथिला पर आधारित को सामाजिक फिल्में बनाते हैं तो उनको संसाधनों का टोटा रहता है, तो इससे बहुत उनको फायदा मिलेगा, बहुत फायदा होगा। और मैं मिथिला क्षेत्र के लोग जो मिथिला बोलते हैं और मिथिला बरतते हैं अपने जीवन में, उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। यद्यपि मैं मैथिली बोल नहीं पाता हूँ, इस क्षेत्र का नहीं हूँ, लेकिन मुझे सबसे अच्छा पूरे बिहार में उनका, मिथिला वासियों का भाषाई आग्रह लगता है। अनिल जी, आप देखिए, 2 मिथिलावासी अगर लॉस एंजल्स में मिलेंगे या बर्लिन में मिलेंगे फिर भी मैथिली में बात करेंगे, ये आग्रह दुर्भाग्य से मतलब भोजपुरी में कम है जी, जी। और बजिका, अंगिका, मगध वाले में नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आप अपनी भाषा को बोलने से हिचक रहे हैं तो आपको अपनी भाषा में सिनेमा कहाँ से मिलेगा जी। तो एक आपको जब अक्सर तुलना होती है कि हमारी फिल्में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या मराठी, असमिया जैसे नहीं हो पाती है, वो इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि हम बोलने तक में हिचकते हैं, फेसबुक पर लिखने में हिचकते हैं, तो सिनेमा कहाँ से आएगी। हम और आप भी हिंदी में लिख रहे हैं फेसबुक पर, हिंदी का विरोध नहीं है, हिंदी तो हमारी भाषा है, लेकिन आप देखिए भाषाई आग्रह हमारा उतना नहीं है, इसलिए भी फिल्में उसमें नहीं बन पाई। अब देखिए सरकार ने 2 कदम आगे बढ़कर फिल्म पॉलिसी ला दिया है, और इस फिल्म पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने पूरा अध्ययन किया इस फिल्म पॉलिसी का जी। मुझे लग रहा है कि इस फिल्म पॉलिसी का सारा जोर फिल्म निर्माण पर है। अच्छा, आपको मैं बता दूँ जो इसमें नहीं है कि बैठकों में भी जब जाता था तो जो चर्चाएँ होती थी उसका लब्बो लुआब रहता था कि कैसे फिल्म प्रोडक्शन को अधिक से अधिक फिल्में बनाई जाए जी। ठीक है, वो एक पक्ष है, फिल्म बनेगी तभी तो लोग देखेंगे जी। लेकिन जानते हैं ये अधूरी लड़ाई है, अधूरी लड़ाई यूँ कि फिल्में बन जाएंगी जी। और फिल्में बन जाएगी उसको दिखाएंगे कहाँ, इसको लेकर भी ठोस चीज उसमें एक ही चीज़ मिली इस बात को लेकर, सरकार ने कहा है कि जो एकल सिनेमाघर हैं, सिंगल स्क्रीन जो खास करके कस्बों में, छोटे अनुमंडल इलाकों में जो रहते हैं जी, उसको सुधारने, उसके रख रखाव की भी चिंता इस नीति में की गई है जी। इसके लिए सरकार को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, भाई आप फिल्म निर्माण पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च मत कीजिए, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जिस स्मार्टफोन से आप मेरे वो संबोधन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी स्मार्टफोन से पूरी फीचर फिल्म बन जा रही है और वो दुनिया की यूरोप, अमेरिका, सब जगह जा रही है। निर्माण अब आसान हो गया है, अनुदान देना अच्छी बात है, लेकिन उससे अधिक ज़रूरी है आप बनी हुई फिल्मों का प्रदर्शन सुनिश्चित करना, और उसके लिए एक मार्केट उपलब्ध नहीं कराना लेकिन एक मार्केट का रूपरेखा तैयार करना। अनिल जी देखिए, फिर अक्सर लोग चर्चा करते हैं ना कि बिहार में फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री, देखिए इंडस्ट्री के लिए ना पहले एक फिल्म इकोनॉमी तैयार करनी पड़ती है, एक एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ता है जी। जब तक वो नहीं तैयार होगा, क्योंकि फिल्में तो अब बनाना आसान हो चुका है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इसमें पुश देने की ज़रूरत है, और फिल्म निर्माण से आगे जाकर इसके वितरण और प्रदर्शन को लेकर थोड़ी बहुत चिंता करनी चाहिए। जिसमें से एक मैं बता देता हूँ कि जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण अक्सर सारे लोग देते हैं कि वहाँ मराठी फिल्मों के लिए मल्टीप्लेक्सेस में शो आरक्षित होते हैं जी।
और शो का मतलब ये नहीं कि सुबह 8 बजे वाला शो, शाम वाले शो जो भीड़ भाड़ वाले, हाँ मतलब जिसमें फुटफॉल मैक्सिमम हो, ज्यादा हो। तो मेरा यही कहना है कि अगर कोई भोजपुरी मैथिली मगहीका बज्जिका में फिल्म बना रहा है तो आप उसको जो प्रमुख शहर है बिहार के उसके मल्टीप्लेक्सेस में कम से कम एक शो का आरक्षण रखें कि भाई आपको एक शो दिखाना है मैटनी इवनिंग में क्षेत्रीय भाषा वाली, आप बस जगह दे दीजिए, फिल्म चलेगी, कंटेंट में दम होगा तो फिल्म चलेगी, घटिया कंटेंट होगा तो उतर जाएगी। आप जगह तो दीजिए पहले खेलने के लिए बल्लेबाज को, पिच उपलब्ध कराइए, दम होगा तो सेंचुरी मारेगा, नहीं आउट होकर घर जाएगा, नहीं होगा तो एक दो दिन में आप हटा दीजिएगा, आप 3 दिन में उतार दीजिए, फ्राइडे को लगाइए, आप संडे को फुटफॉल नहीं आ रहा, आप कहिए कि हाँ भाई इसमें 10% से कम हेड काउंट हो रहा है, हम इसको उतार रहे हैं, ये कह के आप प्रोड्यूसर को कह, कोई विरोध भी नहीं करेगा, कैसे कोई करेगा विरोध जब घटिया। और उसी में अगर कोई फिल्म में दम है, थोड़ी बहुत माउथ पब्लिसिटी हो गई, तो अगर 35% 40% भी ऑक्यूपेंसी है मल्टीप्लेक्स में तो इसको एक डिसेंट नंबर माना चाहिए। देखिए 100 में 100 सीटें भरना वैसे मुश्किल बात है, इसीलिए मैंने ऑक्यूपेंसी को 35 से 40% तक रखा है, अगर इतने पे भी है तब भी रीजनल सिनेमा को संरक्षण मिलना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो लग रहा था कि इस फिल्म पॉलिसी में आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई, उसके बारे में भी इन्होंने रखा और जो चीज़ें इसमें शामिल की गई है उस पर भी विस्तार से बात रखा। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि अभी जो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में लोग आना चाह रहे हैं या अभिनय के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, कई बार ये सुनने में आता है कि फिल्म सेक्टर में जाने वाले लोग तनाव में रहते हैं, लगातार सुसाइड की खबरें आ रही है, चाहे जो नए लोग आ रहे हैं उनको पता नहीं है कि किस तरीके से किस माध्यम से जाएं इसमें, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? दो सवाल हमारा है, एक तो जो नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए, और जो लोग आ गए हैं वो स्ट्रेस में, एक उनके ऊपर प्रेशर हो जाता है कि इस तरह का परफॉर्मेंस देना है, इस तरह का उनको रिजल्ट आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है तो वो सुसाइड या बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सुशांत सिंह का भी मामला बीच में बहुत हाईलाइटेड रहा था, तो क्या हो सकता है कि स्ट्रेस उनको ना हो, तनाव नहीं हो और नए लोग किस तरीके से? हाँ, स्ट्रेस होता है यूं, देखिए किसी को कलाकार बनने पर तो जीवन सुंदर हो जाता है, लेकिन अगर स्ट्रेस हो रहा है तो आपने अपने ऊपर महत्वाकांक्षाएं ओढ़ ली है या महत्वाकांक्षाओं को लाद लिया है, एग्जैक्ट यही शब्द है, इसी के कारण कलाकार तनाव में जीते हैं। आप महत्वाकांक्षाओं को साइड में रखिए, आप काम कीजिए, और इसलिए मैं जो नए कलाकार हैं उनसे कहता हूँ आप कलाकार बनने के लिए आइए, प्लीज़ सुपरस्टार बनने के लिए मत आइए, मैंने अभिनेता या गायक यही दो पर्दे पे दिखते हैं और बाकी जो टेक्नीशियंस हैं तो वो सुसाइड नहीं करते हैं, टेक्नीशियन बहुत समझदार लोग होते हैं। तो अगर और फिल्म इंडस्ट्री में मैं एक और बात जोड़ देता हूँ अनिल जी, कि फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ने का मतलब आपको सिर्फ हीरो हीरोइन बनना नहीं है, सिर्फ गायक बनना नहीं है, मेरा है कि आप टेक्नीशियन बनिए, आर्ट डायरेक्शन बनिए, प्रोडक्शन का काम सीखिए, कैमरा में आइए, वीएफएक्स में आइए, बहुत सारा लाइट का काम, गैफर का, जो गैफर आर्टिस्ट होते हैं उसका काम कीजिए, स्क्रिप्ट राइटिंग में आइए, तुरंत रोजगार मिल जाता है ना, वो मेकअप का काम सीख लीजिए, और मेकअप का काम मतलब कि सिर्फ लड़कियाँ नहीं, लड़के अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, पटना में काम मिल रहा है, तो आप जहाँ रोजगार है पहले उसको पकड़िए, बाद में जब आप एक बार इंडस्ट्री में चले गए तो एक्टिंग वाला शौक पूरा हो जाएगा, और क्या, पहले किचन में पैसा आना चाहिए, हाँ पहले पैसा आना चाहिए ना थोड़ा बहुत। और दूसरा बात है कि इसको आप रोजी रोटी का माध्यम मत बना दीजिए, अगर कला को साधने का प्रयास किया है तो थोड़ा बहुत त्याग की भावना होना चाहिए, नंबर वन, थोड़े उदार हृदय होइए और महत्वाकांक्षा को किनारे कीजिए, शौक को जिंदा रखिए, ये तो साधारण सा सूत्र है। और हाँ, कैसे काम मिलेगा, नए लोग कैसे इसमें एंटर करें, हाँ, कहाँ से ट्रेनिंग ले, कैसे? हाँ, अब तो कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं टेक्नीशियन के, वो कम प्रभावी होते हैं। सबसे आसान तरीका है जो कोई स्थापित फिल्मकार है तो उसकी टोली में शामिल होकर उसके साथ रहकर सहयोगी की भूमिका में 2-3 साल काम करने से आपको उसका कौशल विकसित हो जाता है, नंबर वन तरीका है। दूसरा है, दूसरा थोड़ा खर्चीला ज़्यादा है, कि किसी फिल्म संस्थान में जाकर, जैसे हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है FTI पुणे और SIR FTI कोलकाता, ये दो भारत सरकार के इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको आश्चर्य होगा अमेरिका यूरोप से स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। एकदम FTI पुणे में जाइए, हर बैच में आपको यूरोपियंस मिलेंगे, अमेरिकन्स मिलेंगे, मतलब मैं कोई आपको कोई गरीब देश की बात नहीं कर रहा हूँ, जो देश जो होता है ना अभिजात पश्चिम, तो अभिजात पश्चिम वाले हमारे FTI पुणे में यहाँ पर एक्टिंग सीखने के लिए आते हैं, यहाँ फिल्म से रिलेटेड चीजें, हाँ, वो हमारा विश्व स्तरीय संस्थान है FTI पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता इन, लेकिन इन दोनों के अलावा भी देश के हर बड़े शहर में, खास करके चेन्नई और हैदराबाद में, दिल्ली में भी
फिल्म ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूट है, उसमें आप जाके एक साल का डिप्लोमा से लेकर 3 साल तक का पीजी डिप्लोमा वाले पढ़ाई करके आप चाहें तो फिल्म निर्माण का काम सीख सकते हैं। और चूंकि ये रेफरेंस बेस्ड जॉब इसमें मिलता है, कॉन्टेक्ट बनाइए, लोगों से मिलिए जुलिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको, तब वो चीज़ें उधर से बाउंस बैक होनी शुरू होती हैं और हड़बड़ी का काम नहीं है ये। जी, तो देखा कि सर किस तरीके से हर एक विषयों को काफ़ी विस्तार से और गंभीरता से बता रहे थे। इससे निश्चित रूप से नए जो आने वाले छात्र हैं जो सिनेमा जगत में रुचि रखते हैं और इसमें किसी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए यह बेनिफिशियल रहा होगा। और साथ ही जो बिहार सरकार की पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी के लबुलवाब के बारे में आपने विस्तार से जाना होगा। और भी कुछ चीज़ें हैं तो आंदोलन जारी रहेगा आगे भी आप लोगों का, और इसमें चीज़ें सुधार संभव है। तो अब बिहार में कुछ नया होना शुरू हो गया है और कुछ सकारात्मक दिशा में कदम तो बढ़े हैं, अब इसको अंजाम तक पहुंचाना और अच्छी चीज़ें समाज में आए, अच्छी फिल्में आए और लोग देखें, भाषाओं का विकास हो, इन तमाम चीज़ों की कामना के साथ हम लोग आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आपको अगर यह चर्चा बहुत अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।